बॉलीवुड इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के तमाम सितारे इस वक्त उलझन में हैं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। ये जानने के लिए क्या वाकई में सुशांत सिंह राजपूत के साथ कोई ट्रेजेडी जो हुई थी उसमें किसी ने कुछ छुपाया है, क्या कोई सच है जिससे लोग अनजान हैं, हम आपको बताना चाहेंगे। ट्रेजेडी के बारे में बात यहाँ हो रही है तो सच ये है कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ये जो खबर थी वो बिल्कुल सच है कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी ज़िंदगी का अंत खुद किया। लेकिन सोशल मीडिया पर तमाम तरह के पोस्ट हैं, वहीं आपको बताना चाहेंगे कुछ बड़ा हुआ। जी हाँ, आपको शायद ही मालूम हो लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति को लेकर खबर आई है कि सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस फॉर एसएसआर कंपेल चलाने वाली सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने अनाउंस कर दिया है कि सोशल मीडिया को वो डीएक्टिवेट कर रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस भी उलझन में हैं और स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर कर दिया है और इसलिए लोग हैरान हैं क्योंकि सुशांत की बहन ने आखिर ऐसा क्यों किया, क्यों श्वेता सिंह कीर्ति ने इतना बड़ा कदम उठाया, क्या अपने भाई के जाने से सदमे में डूबी श्वेता सिंह कीर्ति अपने भाई की वजह से, न्याय न मिलने की वजह से वो इतनी ज़्यादा दुखी हैं। जी हाँ, श्वेता सिंह कीर्ति सुशांत की वो बहन हैं जो कि आउट ऑफ इंडिया रहा करती थी, उन्होंने ट्विटर पर अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है और इसलिए जी हाँ उन्होंने डीएक्टिवेट कर दिया है और बहुत सारे लोग उनके अकाउंट को हैंक करने की कोशिश कर रहे थे इसलिए उन्होंने डीएक्टिवेट किया है। इसकी जानकारी उन्होंने पोस्ट करते हुए श्वेता सिंह कीर्ति ने दी है। वहीं आपको बताना चाहेंगे जस्टिस फॉर सुशांत के लिए जो कैंपेन वो चला रही थी उनके साथ ऐसा हुआ है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने फेक यूज़र के नाम से फेक आईडी बनाकर उन्हें तंग किया था, कुछ फेक पोस्ट शेयर किए थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा तंग करने की कोशिश की गई थी। इस वजह से भी श्वेता सिंह कीर्ति काफ़ी परेशान रही। आखिर में उन्होंने ट्विटर अकाउंट को डीएक्टिवेट करने का फैसला लिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नाराज़गी का सामना कर रही थी। श्वेता सिंह कीर्ति के लिए ये दर्द भरा समय है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।